अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हिना सहर एंड यू आर वाचिंग सहरीन से लर्निंग। इस चैनल में आपको हर किस्म की लर्निंग की चीज़ें फराहम की जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो इस्लामिक लर्निंग है, चाहे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, और चाहे वो मोबाइल ट्रिक्स हैं, या चाहे वो इस किस्म की वीडियो है जो मैंने आज बनाई है आपके लिए। तो आज मैंने आपके लिए बनाया वीडियो आपके लिए लेके आई, जिसमें आपको बताऊँगी कि मोबाइल में हाथ से लिखने वाली वीडियो कैसे बनाई जाती है, इसके लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जाता है और उस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें आते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर में जाएं, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर सर्च बार में आप लिखें बेनाइम सर्च बार में आप लिखें तो इस तरह सबसे पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा। मेरा यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ये प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन पे आप क्लिक करें तो इस तरह का वो आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखें ये यूट्यूब लिखा है, यूट्यूब ये 1080, यहाँ पे देखें यूट्यूब 720 पिक्सल है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी आया हुआ है, टिकटॉक का भी आया हुआ है, इन चीज़ों का, फेसबुक वगैरह का भी। तो यहाँ पे हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यूट्यूब 1080 लिखेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मूवी क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम वाली जगह पे हमने कोई भी नेम लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ बिलफर्स में क्रिएट ही लिख लेती हूँ, सही। इधर मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दो तो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है हमारे। यहाँ पर देखें मैं आपको कुछ समझाती हूँ। ये स्टिकर है, इससे इसके स्टिकर बनाए जाते हैं। ये है टैक्स, जिससे टैक्स लिखा जाता है। बीजी का मतलब है बैकग्राउंड। हैंड का मतलब है यहाँ से आप मुकम्मल मुख्तलिफ किस्म के हैंड जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं, और म्यूज़िक से यहाँ पे कोई म्यूज़िक वगैरह सेलेक्ट करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं स्टिकर पे, तो यहाँ स्टिकर को जब खोलेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर होंगे। यहाँ कुछ स्टिकर मैंने पहले से डाउनलोड भी करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये अब आते हैं यहाँ पर हम ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे जब आप बेनाइम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होंगी वो लॉक होंगी, ठीक है। इधर सब कुछ अनलॉक है, वो इसलिए कि ये बेनाइम प्रो है। अगर आपको बेनाइम प्रो इंस्टॉल करना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेनाइम प्रो इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दूँगी। यहाँ पे पीपल में देखें मुख्तलिफ किस्म के लोग बने हुए हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग्स में देखें मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनी हुई हैं। किचन में मुख्तलिफ किस्म के किचन के औजार बने हुए हैं, ठीक है। फर्नीचर में मुख्तलिफ फर्नीचर बने हुए, मुख्तलिफ शेप्स हैं। और ये लॉटर जो है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। यहाँ पर वेदर के बारे में बताया हुआ, ये सोशल मीडिया के पिक्चर्स भी यहाँ पर, मतलब हर किस्म की जो पिक्चर्स आपको चाहिए, जो आपको जिस किस्म के स्टिकर चाहिए यहाँ पर आपको दस्तियाब हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक आदमी ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें, इधर से मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकती हूँ। यहाँ से इसको मैंने बड़ा कर दिया, सही। यहाँ पे हमने इसको एक साइड पे यहाँ से कर दिया। अब ये यहाँ पे डिले का मतलब है कि इसको हमने कितनी देर तक रोकना है, मतलब इसके बाद जो कुछ हम लिखेंगे या कुछ ड्रा करेंगे तो वो कितनी देर के बाद आएगा। ड्यूरेशन का मतलब है कि जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये कितनी देर में यहाँ पर प्ले होगा। और पॉज का मतलब है कि ये कितनी देर यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। यहाँ देखें मैं इसको प्ले करके बता देती हूँ इस बटन से। तो देखें इस बटन से मैं इसको प्ले करती हूँ तो ये आपके सामने देखें ये प्ले होके आ रहा है। ये जिस तरह मैंने इसको दिया हुआ ड्यूरेशन और डिले और पॉज, उस तरीके से यहाँ पे प्ले होके आएगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बटन है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया, इंसर्ट कर दिया इसको। यहाँ देखें ये डबल ए लिखा हुआ, इस ए को जब आप प्रेस करेंगी इस ए को, तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट जो है स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी स्टाइल ले लें। यहाँ पे देखें ब्लैक कलर को करें तो इधर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यह 100 लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखें ये लेफ्ट साइड का है, ये सेंटर का है, और ये राइट का, इसको आप जहाँ भी लेफ्ट राइट करना चाहें। लेकिन वो करेंगे कैसे, यहाँ से अब इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके इधर से आप फिर इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं यूँ, ठीक है। ये पेंसिल का निशान है, पेंसिल के निशान से यहाँ से अगर आपको कुछ गलत हो गया तो उसको आप दोबारा ठीक कर सकते हो। यहाँ पर टिक को लगा के इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे बीजी लिखा हुआ है, इस बीजी का मतलब है इसका बैकग्राउंड, यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दें, लेकिन बेहतर यही है कि इसको वाइट ही रहने दें, ठीक है। अब ये हैंड है, तो हैंड में यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हैंड है,
ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी हैंड सेलेक्ट कर दें, अगर लड़की है तो लड़की का, मर्द है तो मर्द का हैंड, यहाँ से आप जो है मुख्तलिफ किस्म के हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी हैंड नहीं सेलेक्ट करना तो फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो कोई भी हैंड सेलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये म्यूज़िक का ऑप्शन है, ठीक है, इधर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ये म्यूज़िक ट्रैक लिखा हुआ है। इस म्यूज़िक ट्रैक पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके मोबाइल में अगर कोई म्यूज़िक है तो ठीक है आप यहाँ से लगा लें, मेरे पास कोई नहीं इसलिए मैं नहीं लगा रही। और दूसरा यहाँ पे ये देखें, ये दूसरा ऑप्शन है वॉइस ओवर, मतलब इससे आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्ले करने के लिए ये वाला बटन है, आप इसको दबाएं तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखें ये अब ये किस तरह प्ले हो रहा है, सही है। यहाँ से आप इसको वीडियो को सेव कर सकते हैं, और जो शेयर का निशान है इस शेयर के निशान पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ से आपकी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो काइंडली एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको फ्री में उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, ठीक है। ओके दोस्तों, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स